लायन्स क्लब अफ दार्जिलिङका सदस्यहरूले आज सेन्ट रबर्ट्स एल्मुनाई एसोसिएसनसित मिलेर दार्जिलिङको चोक बजारस्थित बाटा नजिकको सेडीमा सफाई अभियान चलाए। लायन्स क्लबका यी सदस्यहरूले दार्जिलिङ शहरका अन्य स्थानहरूमा पनि यस्तै सफाई अभियान चलाउने योजना बनाएको बताए। हम लोग लायंस क्लब ऑफ दार्जिलिंग यूनिटी विंग्स के मेंबर्स हैं और हम लोग आज यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं इसमें सफाई अभियान चला रहे हैं जो कि सेंट रॉबर्ट्स एल्यूमिनाई एसोसिएशन के साथ में है। तो सामान वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लस लेबर चार्जेस वगैरह जो है वो लायंस क्लब ऑफ दार्जिलिंग यूनिटी विंग्स बेयर करेगा। ये सीढ़ियाँ बीच बाज़ार में लोकेटेड है और अभी मानसून के टाइम में बहुत गंदी हो जाती है जिससे कि लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसकी सफाई कर दें तो यहाँ दार्जिलिंग के जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किए। यहाँ से और कहाँ कहाँ करने का इरादा है आप लोग का? अभी धीरे धीरे जैसे और भी जो जगह हैं बाज़ार में प्लस उधर चौरस्ता साइड में हम लोग सब जगह जाके धीरे धीरे ये सफाई अभियान को चलाते रहे। चौरस्ता साइड में तो प्रायः म्यूनसिपैलिटी सफाई करता ही रहता है ना, फिर भी अगर आप चौरस्ता में जाके देखिए तो चारों तरफ आपको या तो डॉग्स की गंदगी नज़र आएगी। और जितने टूरिस्ट आते हैं, मेन तो हमारा चौरस्ता ही टूरिस्ट स्पॉट है ना दार्जिलिंग के लिए, तो और वो इतना गंदा रहता है तो हम उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे बोल सकते हैं जब तक कि हम उसको साफ़ नहीं रखेंगे। तो उसको साफ़ करना तो सबसे पहले ज़रूरी है। और जो ये लोकल बाज़ार है वो हम लोकल पब्लिक के लिए यहाँ पे है और इसको भी साफ़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि चौरस्ता रखना ज़रूरी है सफाई। ये प्लेस से भी गंदा तो छठी सीढ़ी है ना? धीरे धीरे हम लोग उधर भी करेंगे, एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स। अभी हमने नया टीम बनाया है तो हमारी नई टीम अब धीरे धीरे ये सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में लेगी और एक एक करके आगे करती रहेगी। आप लोग थर्सडे करेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी क्योंकि अभी थर्सडे को बंद करने की बात हुई है ना कि बाज़ार बंद रहेगा एवरी थर्सडे, तो ईजी हो जाता है, लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहता है, इस वजह से हमने थर्सडे को ये प्रोग्राम किया। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना सारदा, मैं प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ दार्जिलिंग यूनिटी।